आज मैं आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले गूगल क्रोम में gmail.com टाइप करें, इसके बाद क्रिएट अकाउंट, इसके बाद आप अपनी रिक्वायर्ड के हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद जीमेल का अकाउंट फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद वीडियो को फॉलो करते हुए जीमेल के अकाउंट फॉर्म को फिल करें। नोट, जब आप यूज़र नेम टाइप करते हो तो इसके बाद जब ये मैसेज शो हो जाए डेट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अगेन, इसका मतलब है आपका टाइप किया हुआ यूज़र नेम पहले से ले लिया गया है या ये नाम पहले से रजिस्टर्ड है, आप दोबारा किसी और नाम से टाइप करें। इसके बाद जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो गूगल आपकी जीमेल आईडी की सिक्योरिटी के लिए आपसे एक सेल नंबर मांगेगा। आप वो सेल नंबर दें जो कि आपके इस्तेमाल में हो, ताकि जब कभी आपका अकाउंट ब्लॉक या हैक हो जाए या कभी पासवर्ड भूल जाए तो इस सूरत में ये सेल नंबर आपकी हेल्प करेगा, जिस तरह इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जब आप सेल नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा आपके दिए गए नंबर पर। इसके बाद वो कोड आप इंटर वेरिफिकेशन कोड में टाइप कर दें। देन वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद बाकी डिटेल आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट जीमेल अकाउंट यूज़ करने का तरीका सिखाऊंगा। ईमेल करने के लिए आप कंपोज बटन पर क्लिक करें, इसके बाद एक न्यू मैसेज बॉक्स खुल जाएगा। टू में आप उस क्लाइंट की ईमेल आईडी टाइप करें जिसको ईमेल करना चाहते हों। इसके बाद आप अपनी ईमेल के हिसाब से सब्जेक्ट टाइप करें, बाकी डिटेल आप वीडियो को फॉलो करते हुए अप्लाई करें। ईमेल सेंड करने के बाद आप अपनी कंफर्मेशन के लिए सेंड ईमेल वाले फोल्डर पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई गई है। इसके अलावा हम जितनी भी ईमेल सेंड करते हैं वो सेंड ईमेल वाले फोल्डर पर ईमेल जाती है। आप अपनी पुरानी ईमेल को भी चेक कर सकते हैं डेट वाइज कि कौन सी ईमेल को हमने किस डेट में सेंड किया है, बाकी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
ग्राफ में वो ईमेल जाती है जिस ईमेल को हम कंपोज करके वक्ती तौर पर क्लोज कर देते हैं और ईमेल नहीं करते हैं, वो उस वक्त तक ड्राफ्ट के फोल्डर में रहती है जब तक हम ईमेल नहीं करते हैं। बाकी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऑल मेल फोल्डर में कंप्लीट ईमेल आती है जिसमें आपकी इनबॉक्स की ईमेल और सोशल मीडिया की ईमेल, इसके अलावा दूसरी और ईमेल भी आती है। स्पैम में वो ईमेल आती है जब आपका इनबॉक्स भर जाए, या वो ईमेल जिसको गूगल स्पैम समझता हो वो ईमेल स्पैम फोल्डर में चली जाती है। ईमेल को आपको डिलीट करना हो उस पर चेक लगाएं और डिलीट बटन पर क्लिक कर दें, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जिस ईमेल को हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन या ट्रेस के फोल्डर में चली जाती है। बाकी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं।
लेबल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई ख़ास डेटा या ईमेल को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब आप किसी इम्पोर्टेड ईमेल को बाद में पढ़ना चाहते हों तो उस पर आप स्टार लगा दें तो वो स्टार फोल्डर में चला जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ईमेल की प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना हो तो आप वीडियो को फॉलो करते हुए अप्लाई करें। अटैचमेंट ईमेल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें कोई डेटा या पिक्चर या डॉक्यूमेंट्स किसी को ईमेल करना हो तो हम अटैचमेंट को यूज़ करते हैं। बाकी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। किसी भी ईमेल को आप दो या दो से ज़्यादा लोगों को ईमेल करना चाहते हों तो हर ईमेल के बाद आप कॉमा टाइप कर दें, इसके बाद दूसरी ईमेल आईडी टाइप करें, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है।
वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।